ये महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण, रेलवे स्टेशन मोतिहारी का, जिसे बाद में बापूधाम मोतिहारी कर दिया गया। यहाँ से बीजेपी के कृषि मंत्री राधामोहन सिंह उम्मीदवार हैं और आकाश सिंह आरएलएसपी से उम्मीदवार हैं। आकाश सिंह के पिता अखिलेश सिंह यहाँ से सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में आज हैं, पहले वो आरजेडी में थे। अभी की परिस्थिति में यहाँ पर बहुत कांटे की टक्कर है और उसको प्रभाकर जायसवाल बिल्कुल एक त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटे हुए हैं। राधामोहन सिंह पिछले दो बार से सांसद हैं, पांच बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार मोदी लहर होने के बावजूद जातीय समीकरण में उनके लिए राह बहुत आसान नहीं दिख रही। हम मोतिहारी के और इलाकों में घूम रहे हैं, कुछ और इलाकों में आज चलेंगे, वहाँ और भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी गणित राधामोहन सिंह का या आकाश सिंह का किसके पक्ष में। आप हमारे पीछे देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड हिंदू लीडर, चंपारण में हैं। आज बिहार के इस फेज में छठे दौर में जो चुनाव होने, उसमें चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के लिए प्रचार करने आए हैं। बीजेपी जहां भी प्रचार में जा रही है वहां पर मोदी की नीतियों, मोदी की बातों पर ही प्रचार कर रही है। मोदी ने क्या किया पिछले पाँच साल में, उनकी बात करने की बजाय बालाकोट, एयर स्ट्राइक, इस पर ज़्यादा बात हो रही है, आतंकवाद पर ज़्यादा बात हो रही है, जाहिर सी बात राष्ट्रवाद की बात हो रही है। आप देख रहे हैं पीछे भीड़, योगी आदित्यनाथ का भाषण और उनके बीच से बार बार तालियां बजाते लोग, कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उनका क्या मानना है। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सुनील प्रसाद। सुनील, सुनील जी, इस इलाके में आप यहाँ के वोटर हैं? हाँ जी। इस इलाके में आप लोग किसको वोट, देखिए पूछना तो ठीक नहीं होता है लोकतंत्र में, लेकिन फिर भी अगर आप बताना चाहें। नहीं, तो इसमें कोई शक नहीं है, हम लोग तो मोदी जी के वोट देंगे। मोदी जी को वोट देंगे? मोदी जी को क्यों वोट देंगे? उनका विकास हुआ है, हम लोग कभी भविष्य में नहीं सोचे थे कि इतना रोड सुधरेगा भाई, इतना लाइट रहेगी, जो उन्होंने सब करके दिखाए, इससे क्या होगा। आप इसके पहले किसको वोट देते थे? हम लोग इसके पहले मोदी जी को वोट दिए हैं। आप उतने बुजुर्ग तो लगते हैं कि दो तीन बार आपने वोट दिया होगा, तो इसके पहले आप किसको वोट देते हो? इसके पहले जो हुआ सो हुआ, छोड़िए बात। अच्छा, उसके पहले गलतियां हुई हैं। तो देखिए क्या है कि आज की तारीख में जो एक ट्रेंड सेट किया है नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी एक आम लोगों के बीच में जिस तरीके से पहुंचने की कोशिश किए हैं और जो वहां पर उनकी पहुंच है, हालांकि रैली में आए लोग हैं, जाहिर सी बात है कि रैली में उनके ही चाहने वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं, बावजूद इसके जो सुनील जी ने कहा कि वो पहले जो गलतियाँ हुई उसको सुधार रहे हैं और बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आपका नाम क्या है? संजय कुमार तिवारी है। और मैं जानता हूँ कि मोदी सरकार जैसे ना कोई हुआ है और ना होने की करीब चाहता है। वाह वाह, क्योंकि हर सच्चाई के पीछे मोदी सरकार। तो आप ये बताइए कि मोदी सरकार ने आपके लिए क्या किया, मतलब आप देश की जनता को बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव। देखिए, मोदी सरकार दूसरे के लिए करती है तो मुझे सुकून है, हम देख कर सुकून कर लेते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। हम चाहते हैं कि समाज का विकास हो, समाज के साथ देश का विकास हो। कि मोदी सरकार जैसे ना कोई हुआ है ना होगा। अभी जो योगी राज जी बात चला रहे हैं से मोदी जी की, क्योंकि अपने गौरव की बात तो नहीं चला रहे हैं। तो आप लोग जो वोट देंगे, आपके सांसद राधामोहन सिंह कृषि मंत्री हैं, तो आप कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को वोट देंगे या नरेंद्र मोदी को? सर, सियोर पूछा जाए तो मैं मोदी जी को ही। आपको केंद्र में मोदी की सरकार चाहिए, इसलिए आप राधामोहन सिंह को वोट दें जी? राधामोहन सिंह से नाराज हैं? लेकिन नाराज उनसे नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी यह सोचा नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में भी काम किया, उसको भी रहने की और कार्य करने की क्षमता हो। देखिए कि हर कोई कैच कर लेता है दीवार, दूसरे जाति के लोग ना यहाँ के मुख्य पार्षद सही इंसाफ कर सके, मगर मोदी पर विश्वास है कि मोदी सरकार जब आएगी तो केंद्र की पहचान बनाएंगे हम। आप क्या करते हैं? सर, मैं तो क्या हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ।
सामाजिक कार्यकर्ता जी, भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, मेरा व्यक्तिगत झुकाव नहीं है, मगर पर्सनल वोट जो है खुल छाप देते हैं।